कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नागपुर के दीक्षा भूमि में दर्शन किया और बोले महाराष्ट्र के सभी बुद्ध विहार को सुशोभित करेंगे, साथ ही पूर्ण बुद्ध समुदाय का साथ देंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। सबको मालूम होना चाहिए और मैं देश में एकमात्र कैबिनेट मंत्री है जो बौद्ध है, तो मेरे लिए तो विशेष करके अम्बेडकर जी और पूरा बौद्ध समुदाय का दिल से गहराइयों से मेरा लगन तो है, मेरा लगाव है, मेरा जुड़ा हुआ है। तो मैं जब भी नागपुर आता हूँ तो यहाँ तो मुझे आना ही है, और पिछले सप्ताह मैं मुंबई गई थे तो मुंबई में भी चैत्य भूमि में हमने वहाँ के ट्रस्ट लोगों से बात किया और चैत्य भूमि को और खूबसूरत बनाने के लिए ताकि लाखों लोग वहाँ आके दर्शन कर सके उसका भी सहायता करने का हमने निर्णय किया है। हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में जितना बौद्ध स्थल है उनको भी राशि मदद करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके मुझे कहा है कि आप जितना बौद्ध स्थल है उसको आप थोड़ा सा देखना है, और महाराष्ट्र में विशेष करके पूरे जितने भी बाबा साहब से जुड़े हुए स्थल हैं और बौद्ध से जुड़े हुए जितने भी यहाँ प्रतिमाएँ हैं, स्थल हैं और शिक्षण स्थान है और जितना भी यहाँ एनजीओ से सबसे भी तालमेल करके काम करना है। तो हम दिल से सिर्फ बाबा साहब को नहीं मानते हैं बल्कि उनके कर्मों को आगे ले जाने के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आज मुझे बाबा साहब का इस दीक्षा भूमि में फिर से नमन करने का मौका मिला है। मैं फिर से बाबा साहब को याद करता हूँ, उसके बताए हुए रास्ते पे आगे चल करके और देश का सेवा करते रहेंगे। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।